चलिए रुक करते राजस्थान की खबरों की ओर। पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग के पिता प्रभुदयाल गर्ग के निधन पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। रंजीत नगर निवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पुत्र डॉक्टर कुणाल शर्मा सहित पंचायती राज संस्थान के सदस्य पहुंचे। खबर राजस्थान से है, जहां भरतपुर जिले के वेर विधानसभा में स्थित गांव पथेना के राज्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल हो रहा है। सरकारी अधिकारियों की अनदेखी के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्वस्थताओं का शिकार बना हुआ है। भुसावर उपखंड के जसवंत फौजी ने बताया कि गांव के सरकारी अस्पताल की हालत बहुत ही खराब है। समय पर डॉक्टर भी अस्पताल में नहीं मिलते हैं। यहां दवाई तो है, लेकिन दवा का सुरक्षित रखने के लिए बिल्डिंग नहीं है, जिससे दवाइयां खराब हो रही है। जिम्मेदारी अधिकारी की अनदेखी का कारण आम लोगों को 10 किलोमीटर दूर अस्पताल जाना पड़ रहा है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। भरतपुर से रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। आगे गांव पथेना में ये हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर डेपुटेशन पर लगा रखे हैं। जो 12:30 बजे टाइम हो रखा है, 12:30 बज रहे हैं और यहाँ से डॉक्टर साहब कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। डेपुटेशन वाले भी बहुत स्थिति खराब कर रखी है। और ये सामने औषधालय है, उसमें भी डॉक्टर का लॉक लगा हुआ है, कोई नहीं है। इधर भी स्टाफ पूरा अभी जा चुका है, चंद लोग ही हैं यहाँ पे। काफ़ी स्टाफ होने के बावजूद भी यहाँ पे चंद लोग बचे हुए हैं। यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, बहुत ही बेहाल स्थिति में, जिसकी शिकायत हमने कल संभाग आयुक्त जी से भी की थी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। देश के लोगों में आज भी मानवता और इंसानियत की भावना देखने को मिलती, ऐसा ही नजारा भरतपुर जिले के भुसावर में देखने को मिला, जहां पर देवसेना के लोगों ने घायल बंदर का उपचार करवाकर उसकी जान बचा ली। देवसेना अध्यक्ष बबलू सिंह ने बताया कि एक बंदर आर्य महिला विद्यापीठ में घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जो चलने फिरने में असमर्थ था। बादा बंदर के साथ 10 दिन का छोटा बच्चा भी है। इस मौके पर देवसेना अध्यक्ष बबलू गुजर, कंचनपुरा वीर सिंह गुजर, सचिन अंधना, सचिन गुजर आदि मौजूद रहे। खबर राजस्थान के भरतपुर से है, जहां मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी हरि चैतन्य पुरी महाराज आए, जहां उन्होंने कहा कि भारत फिर से जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठापित है और विभिन्न आक्रमक हमारे राष्ट्र से सोना चांदी हीरे जवाहरात कोहिनूर व खजाने लूट कर ले गए, लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्य के मस्तिष्क में है। उसका व्यवसाय बनाकर नहीं, स्वार्थ भाव से चंद लोग भी एकजुट होकर प्रचार प्रसार करने में जुट जाए तो भारत फिर से जगतगुरु बनेगा। उन्होंने कहा कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व आज युद्ध की संभावनाओं के नियंत्रण काल से गुजर रहा है। हम सभी समस्त प्रकार की संकीर्णता और मतभेदों को त्याग कर आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे के साथ रहे। भरतपुर से रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। और नजर भी खाली मन में नहीं आया, नजर भी पांचों पत्तियों की तरफ गई है, लेकिन सब हारे हुए जुआरी गर्दन झुका के बैठे थे। कोई सहारा नहीं मिला,